أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم درود بھیجیے محمد وال محمد پر مومنین کرام، سب سے پہلے جیسے آپ تمام حضرات متوجہ ہیں، آج کی یہ مجلس ہمارے مرحوم قیم علی قائم ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے. مجھے طولانی قرآنی آیات کا تلاوت کی فہرست دی گئی ہے، اس میں بہت تعداد میں قرآنی سوروں کی تلاوت کی گئی ہے اور محمد و آل محمد پر صلوات. میں سمجھتا ہوں مرحوم انتہائی خوش قسمت ہیں، بارہ لاکھ نوے ہزار، یعنی معراج کی جو روایت ہے اس کے مطابق، یعنی جو آدمی ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، وہ فرشتے جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ ہتھیار ڈالتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد پر صلوات کا جو اجر اور ثواب ہے اس کا شمار نہیں کر سکتے. ایک دفعہ صلوات جی، اور اگر یہ ایک بارہ لاکھ نوے ہزار دفعہ صلوات کا جو ثواب ہے کوئی کیلکولیٹر بھی لے کے بیٹھ جائے تو وہ اس کا احصا کر سکے. خوش قسمتی ہے مرحوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لواحقین پسندگان کو توفیق دی ہے. غرض یہ کہ یہ جتنا بھی ذکر کیا گیا ہے، قرآن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، ان کا اجر اور ثواب 100% ان مرحوم کی روح تک پہنچ چکا ہے. یہ تو پڑھنے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اذکار کو، قرآنی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر اور ثواب مرحوم کی روح کو ہدیہ فرمائے. میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بنیادی باتوں سے اگر چار دیواری کے اندر موجود سامعین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا لائیو کہیں اگر ہماری آواز جا رہی ہے اور کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کسی کے لیے یہ باتیں باعث ہدایت بنتی ہیں، تو ہم سب اس کا اجر اور ثواب پھر مرحوم ہی کی روح کے لیے ہدیہ کریں گے. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو الہی عہدے ہیں، الہی عہدے
हमारे नज़दीक हम इसना अशरियों के नज़दीक इलाही ओहदे तीन हैं, नबुवत, रिसालत और इमामत, और बाकी मुसलमानों के नज़दीक इलाही ओहदे दो हैं, नबुवत और इमामत। ये और बात है कि तमाम रसूलों का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के नज़दीक यकसान नहीं है। तिल कर रसुलु फ़ज़लना बादहुम अला बाद, खुदा खुद फरमाता है हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों पर फोकियत दी है। तो बाद रसूल वो उलिल अज़्म थे, वो नई शरीयत लेके आए थे। अक्सर रसूल गुज़श्ता वो अनबिया या रसूलों की शरीयत पर अमल करते थे और उसी को आगे बढ़ाते थे, लेकिन बुनियादी जो इलाही ओहदे हैं जो खुदा के इख्तियार में हैं वो नबुवत है और रिसालत, और हम शियों के नज़दीक इमामत। यानी जिस तरह रसूल और नबी अल्लाह बनाता है, अल्लाह को रसूल नबी मुकरर करने का इख्तियार है, हमारे अकीदे के मुताबिक इमाम आप कहें जानिशीन पैगंबर, वसी पैगंबर या रसूल खुदा का खलीफा, वो भी अल्लाह ही मुकरर फरमाता है। और ये भी सुन्नत इलाही रही है कि हज़रत आदम अला नबीना व आलिही अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी तक पूरी दुनिया के इंसानों में अल्लाह के लिए तो कोई इलाका करीब, कोई इलाका नज़दीक, कोई इलाका पसंदीदा, कोई इलाका नापसंदीदा, खुदा के लिए कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया में जो तमाम कमालात में सबसे अफजल हो उसको अल्लाह ताला अपना नुमाइंदा बनाता है। पूरी कायनात में तमाम कमालात में जो सबसे अफजल हो उसको अल्लाह ताला अपना नुमाइंदा बनाता है, नबी के नाम से, रसूल के नाम से, और हमारे अकीदे के मुताबिक रसूल खुदा के बाद इमाम के नाम से उसको अपना नुमाइंदा बनाता है पूरी कायनात में। और खुसूसन चूँकि अल्लाह के फरमान के मुताबिक वलकद अरसलना रसूलना बिलबैनात वातेना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियकूम अन्नास बिलक़िस्त, इधर जो मजलिसें हुई थी उनमें मैंने यह अर्ज़ किया है, ये असल इलाही नुमाइंदा चाहे वो नबी हो या रसूल हो या इमाम, उसका मकसद अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाना है या लोगों से अल्लाह के दीन पर जो है ना वो अमल करवाना है। लिहाजा इलाही नुमाइंदा वही हो सकता है जो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा दीन का माहिर हो, सबसे ज़्यादा दीन का माहिर हो। और मैं इमामत के बारे में एक अर्ज़ करूँ, बिलफर्ज दो मिनट के लिए अगर हम ये तस्लीम भी कर लें, फर्ज कहते हैं मुहाल को फ़र्ज करने में करना कोई नामुमकिन नहीं होता, फ़र्ज करें कि यहाँ एक बज के जो है ना वो 1:50 पे ये हाल तारीख भी हैं और रोशन भी है, फ़र्ज करो, कहते हैं कि मुहाल का फ़र्ज बहाल नहीं होता, खुद बहाल बहाल होता है, बहाल को फ़र्ज करना बहाल नहीं होता। फ़र्ज करो कि ये इमामत जो है वो कोई इलाही ओहदा नहीं है, लोग आपस में से किसी को अपना इमाम, खलीफा, जानिशीन जो है ना वो मुकर्रर करते हैं, फिर भी दुनिया भर के उकला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर आपने आपस में अपनों में से किसी को वो दीन का नुमाइंदा, रसूल का जानिशीन मुकर्रर करना हो तो आप भी हर अकलमंद की कोशिश ये होगी कि भाई 1,000-2,000 लाख इंसानों में से उसको दीन का नुमाइंदा बनाएं कि जिसके मालूमात सबसे ज़्यादा हो, दीन का सबसे बड़ा माहिर हो। क़ता नज़र इसके कि ये मनसब इलाही है, ये मनसब इलाही नहीं है, अगर ये मनसब इलाही होगा ना, मनसब इलाही होगा तो खुदा जिसको अपना नुमाइंदा बनाना चाहता होगा, जिसको नबी बनाना चाहता होगा, जिसको रसूल बनाना चाहता होगा या जिसको इमाम बनाना चाहता होगा, खुदा खुद उसको उन कमालात से आरास्ता फरमाएगा जी जो उस नुमाइंदे के लिए ज़रूरी होते हैं। ये खुदा की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, खुदा की अपनी ज़िम्मेदारी।
ابھی بھی یہ چند ایک امیر المومنین کے فضائل کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح قدرت نے اہتمام فرمایا ہے امیر المومنین کو اس منصب پر فائز کرنے کے لیے. ایک بار تو درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ابھی سوشل میڈیا پر بہت ہی جن کے وہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت سارے مفتی صاحبان وہ بھی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم میں اور شیعوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ہم جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے ذریعے رسول خدا اور آپ کے احادیث تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے نزدیک چونکہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر تھے، لہذا ہم نے آن حضرت کے بعد ان کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے. یعنی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین رسول اس کو ہونا چاہیے جو رسول کے بعد سب سے افضل ہو، یا دوسرے الفاظ میں سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہو وہ رسول کا نائب جانشین بننے کا حق رکھتا ہے. میں سلمان فارسی کی روایت پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، سلمان فارسی کے جواب سوال اور رسول خدا کے جواب نے مل کے نا مسلمانوں کا سب سے بڑا اور معرکۃ الآرا مسئلہ وہ حل کر کے دے دیا ہے. اب ہم اس پر عمل نہ کریں وہ اور بات ہے، ورنہ رسول خدا نے نعوذ باللہ یعنی اپنے بعد جانشین کی تعین یا اس کی نامزدگی میں کسی قسم کی نعوذ باللہ کوتاہی نہیں کی، کوئی مناسب موقع چھوڑا نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سلمان فارسی پوچھتے ہیں رسول خدا سے، یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک یا رسول اللہ. امیر المومنین کے الفاظ ہے سلمان فارسی کے بارے میں کہ سلمان کا جو علم ہے نا اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سلمان علی کی بات نہیں ہو رہی، سلمان وہ علم کا بے قرار سمندر ہے، اس کی قعر اور اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے ساتھ فرمایا منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں. یہ سلمان فارسی، یعنی سلمان کی شان اس سے بالاتر ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول کے بعد جانشین یا آپ کا وصی کون ہوگا. کیا خیال ہے، سلمان کو نہیں پتا تھا کہ آپ آن حضرت کا وصی آن حضرت کے بعد کون ہوگا؟ 100% سے بھی زیادہ مجھے یقین ہے کہ سلمان فارسی کو معلوم تھا، لیکن سلمان فارسی چاہتے تھے رسول خدا کی زبان سے یہ کہلوائے کہ میرے بعد میرا وصی کون ہوگا. لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں نا شیخ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. ایک حوالہ شیعوں کا نہیں دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں علی کے کمالات اور آپ کی ذاتی صفات خود اعلان کرتے ہیں کہ علی امام ہیں. علی کی خصوصیات خود یہ اعلان کرتے ہیں. ببانگ دہل خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ، ہم نے بہت کوشش کی کہ نصاب میں اس کا نام آ جائے، آبدی صاحب نے بھی بہت جو ہماری مدد کی، آرٹیکل لکھا انہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں، ہزار بہانے پیش کرتے ہیں اور خواجہ نصیر الدین کا طوسی نہ علماء میں نہ سائنسدانوں میں نصاب میں دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. وہ اپنے عقائد کی سب سے بڑی کتاب جو حوزہ علم میں پڑھاتے ہیں، وہ امامت کی بحث میں، امیر المومنین کی امامت کے بحث میں ایک جامع جملہ لکھا ہے احتیاج الکل الیہ. جی رسول کو زمانے میں یا رسول کے بعد سب لوگوں کا اپنے دین کو سمجھنے کے لیے علی کا محتاج ہونا، واستغناؤہ عن الکل، اور علی کا اپنے دین کے معاملے میں سب سے بے نیاز ہونا، دلیل اللہ انہو امام الکل، اس کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل کے کل کا امام ہے. امام کا کام لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. حیدری!
सलमान फारसी कहते हैं फसका, तो उस वक्त रसूल खुदा ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फलम्मा रानी बादू, ये नहीं लिखा कि उसी दिन चंद घंटों के बाद दोबारा आन हजरत ने मुझे देखा, दूसरे दिन देखा, हफ्ते के बाद देखा। जो इबारत है अरबी उसका तर्जुमा अर्ज करूंगा, फलम्मा रानी बादू, ये मेरे सवाल के बाद उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, बाद में जब आन हजरत ने मुझे देखा तो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय इससे मिलता जुलता एक और सवाल कर डाला रसूल खुदा ने मुझसे, यानी सलमान फारसी से, कहा अतदरी मन वसी मूसा। सलमान तुम्हें मालूम है कि हजरत मूसा के वसी कौन थे? कहते मैंने कहा हाँ, यूशा बिन नून थे, यूशा बिन नून, ये काजमीन हरम काजमीन से ना पिछले साल दिसंबर में हम गए थे, 15 मिनट या 20 मिनट पैदल के फासले पर हरम इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलात वसलाम के करीब उनकी कब्र में गया हूँ, उधर हमने ज्यारत भी की यूशा बिन नून की। जब मैंने कहा कि मूसा के वसी यूशा बिन नून थे तो रसूल खुदा ने पूछा वल्लेमा, ये भी पता है कि हजरत मूसा के और भी हवारी थे और भी असहाब थे, सबको छोड़ के यूशा बिन नून में वो कौन सा कमाल था जिसकी वजह से? और ये भी मालूम होना चाहिए नबी का वसी भी खुदा मुकर्रर करता है, नबी नाम का ऐलान करता है, या यो रसूल बल्लिग मा उंगली लेके मेरे रब, की अल्लाह ताला ने बताया था कि अपने बाद अपने वसी जानिशीन का ऐलान कर, ये पहले से बात तय शुदा थी। अभी ये आपके जुबान में अर्ज करूं, रसूल खुदा और अल्लाह ताला में ये बात ज़ेर गौर थी कि इसका ऐलान कब होना चाहिए, असल बात पहले हो चुकी है, तय हो चुकी है, लेकिन तारीख जो है ना वो उसका वो मुकर्रर नहीं हुई। तो फिर जब ये हजरतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख हजियों का मजमा मैदान गदीर कुम पहुँचा तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर नबी हाँ बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक, यानी कि अभी अभी नाजिल कर रहा हूँ, वो जो पहले नाजिल हो चुका है और करार ये था कि ऐलान हो वो इसका मुनासिब मौका है, फिर ऐसा बना बनाया मजमा कभी नहीं मिलेगा। हाँ मुकर्रर खुदा करता है, ऐलान नबी करता है, वसी का ऐलान नबी करता है। वल्लेमा किस वजह से हजरत यूशा बिन नून को मूसा का वली बनाया गया? सलमान फारसी ने जवाब में अर्थ किया लअन्नहु काना आलमहुम, कितनी प्यारी इबारत है, उसकी वजह यह है या रसूलल्लाह मेरे मालूमात के मुताबिक कि हजरत मूसा के बाद लअन्नहु, यानी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हजरत मूसा के बाद सबसे ज्यादा इल्म यूशा बिन नून के पास था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया और हजरत मूसा ने उनके नाम का ऐलान किया। अब वो एक दिन पहले या चंद घंटे पहले या हफ्ता पहले जो सलमान फारसी ने जवाब सवाल किया था उसका रसूल खुदा ने जवाब दिया, फरमाया फा, फा का मतलब होता पस। हाँ अगर फार्मूला ये है कि किसी भी नबी का वसी उसको बनाया जाता है जो उस जमाने के तमाम इंसानों से ज्यादा इल्म रखता हो, फवसी मेरा वसी व खैरु मन तरक्तु बादी, और जितने लोग मैं अपने बाद छोड़ के जा रहा हूँ उन सबसे अफजल, अल्लज़ी यक्ज़ी दैनी, जो मेरे कर्ज भी उतारेगा अमानतें भी लौटाएगा, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ये ऐलान उम्मुल मोमिनीन अपनी ज़िंदगी में कर गई हैं, हाँ आलमुन नास बाद रसूलिल्लाह, हाँ अलीयुन कान अलीयुन आलमुन नास बाद रसूलिल्लाह, रसूल खुदा के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अली के पास था, कोई आज तक ऐलान नहीं कर सकिए, कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि रसूल के बाद किसी का इल्म अली से ज़्यादा हो, ये दावा आज तक किसी ने
नहीं किया। ये एक मैं जो इन दिनों में एक लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, तालीम ना, तालीम, तालीम उर्दू में इल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तालीम हासिल करना, तालीम याफ्ता यानी इल्म हासिल करना, अरबी में तालीम सिखाने या पढ़ाने को कहते हैं। उर्दू में इल्म को कहते हैं और अरबी में तालीम को कहते हैं, मुअल्लिम, मुअल्लिम। मुझसे अगर कोई पूछे कि अली का मुअल्लिम, अली का उस्ताद कौन है, मैं कहूंगा अली का मुअल्लिम और उस्ताद अल्लाह और रसूल है, अल्लाह और रसूल है। खुदा रहमत करे मुफ्ती जाफर हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने सीरत अमीर अल मोमिनीन में एक जुमला लिखा है और ठोस मुसल्लम तारीख की रोशनी में यह जुमला लिखा है, ऐसी लफाजी नहीं है, जज्बात में आके जुमला नहीं कहा। कहते हैं कि रसूल खुदा ने अली की तालीम, अली को पढ़ाने या अली को सिखाने या इल्म और हिकमत को अपने सीने से अली के सीने तक मुंतकिल करने का कब आगाज किया? वो फरमाते हैं उस वक्त आगाज किया जब अली ने आँख खोली। कब तक ये सिलसिला जारी रहा? उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहा जब तक रसूल की अपनी आंख बंद न हुई। अली ने आंख खोली, ये सिलसिला शुरू हो गया तालीम का, और उस वक्त तक रसूल खुदा ने जारी रखा कि जब तक रसूल खुदा की अपनी आंख बंद न हुई। विलादत के फौरन बाद, यानी एक नया अंदाज तालीम का, बिल्कुल नया और अनोखा मुनफरिद अंदाज जो आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा, अपना लुआब दहन के कतरे अमीर अल मोमिनीन के दहन मुबारक में ये रहते हैं, जुबान चुसाते हैं, जुबान चुसाते हैं। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये हमने आज तक नहीं देखा, बहुत नौ मौलूद देखे हैं, ना माँ को, ना बाप को, ना दादा दादा दादी को, ना नाना नानी मामू चाचा को, हमने नहीं देखा कि कोई पैदा होते ही लुआब दहन अपने बेटे या पत्नी पोते नवासे के मुंह में जो है ना वो गिराए। ये आपने क्या किया है? जुबान चुसाते हैं, ये आपने क्या किया है? फरमाया मैंने ये लुआब दहन के जरिए या अपनी जुबान चुसा के अपने सीने से इल्म और हिकमत को अली के सीने में मुंतकिल कर दिया है। या अली, लिहाजा अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठ के ना यहाँ से पता नहीं सीने से कपड़ा हटा के कहते थे इन्हाउना इल्मन जम्मा, यहाँ ना अली के सीने में इल्म का और हिकमत का एक मौजदन समंदर है। अच्छा, ये बिल्कुल वो जो आगाज़ में जिस तरीके से अली तकेल मुंतकिल हुआ, हाजा लुआब रसूलिल्लाह, बाद में अली ने फरमाया ये जो जिस इल्म की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ या जिस इल्म के जरिए मैं तुम्हें मुस्तफीद कर रहा हूँ ये लुआब रसूल का नतीजा है, ये लिसान रसूल का नतीजा है। एक तो होता ना सामने बिठा के सिखाओ भाई, हाँ अली बे सिखाओ, वन टू सिखाओ, कलिमा सिखाओ, पंजतन के नाम सिखाओ, सूरह अलहम सिखाओ, नहीं ये अंदाज नहीं था। हाजा लिसान रसूलिल्लाह, हाजा लुआब रसूलिल्लाह। अच्छा जी, और वक्त आखिर इसको भी लिखा है, इसी किताब के अंदर लिखा है शेख साहब ने बड़े मुस्तनद हवालों के साथ, वक्त आखिर ना वो पीछे इब्तदाई हिस्सा थोड़ा सा हसास है, उसको मैं सेंसर कर रहा हूँ, और फरमाया अली को बुलाओ, अली को चादर के नीचे ले गए या कंबल के नीचे, पूरा बदन अली जो है ना वो चादर के नीचे ले गए या सर मुबारक ले गए, बहरहाल अली को ले गए चादर के अंदर, और चंद लम्हों के बाद अमीर अल मोमिनीन ने अपना सर कंबल के नीचे से चादर से नीचे से निकाला। लोगों ने पूछा या अमीर अल मोमिनीन ये एक चंद लम्हों में क्या राज नियाज की बातें हुई हैं आप में और रसूल खुदा में? ये एक
थोक से भी बड़ा कोई लफ्ज़ होता ना थोक, परचून एक होता ना परचून और एक थोक, थोक से भी कोई बड़ा होता ना, खुदा और रसूल ने अली को परचून के हिसाब से इल्म नहीं दिया, थोक से भी कोई बड़ा जो है ना वो जुमला होता, हाँ वो मैं इस्तेमाल करता। क्या रा दुनिया की बातें हुई इन चंद लम्हों में, फरमाया अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब मिनल इल्म, इन चंद लम्हों में रसूल खुदा ने मुझे इल्म के 1000 बाब की तालीम फरमाई। यफ्तहु कुल्लु बाबिन अल्फ बाब मिनल इल्म, और हर बाब से 1000 बाब खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। अच्छा नकवी साहब, 1000 दर्द 1000 अपने, इतनी दफ़े मैंने रिवायत को सुनाया है कि सबको बाद जगहों पर लाख कहते हैं, 1000 दर्ब 1000 लाख नहीं भाई, 100 दर्ब 1000 लाख होता है, 1 मिलियन, ये आप तसव्वुर करें, मुबालगा नहीं है, एक ठोस हकीकत है। चंद लम्हों में इल्म के 10 लाख बाब अली के सीने में मुंतकिल होते हैं, और इसी इल्म का नतीजा था, फरमाते थे नहा हुना ले इल्मन जम्मा, यहाँ ये इल्म का मौजदा समंदर है, हाजा लुआब रसूलिल्लाह, ये यहाँ लुआब रसूल की सूरत में इल्म है, रसूल की जुबान चुसाने का है। फिर फरमाया सलूनी सलूनी कबल अन तफ्रुदूनी, जो पूछना चाहते हो पूछो, आई बता इल्मी, कहते थे आई बता इल्मी, यानी लाकर के माने भी इस्तेमाल होता है अरबी में, लाकर घर के अंदर आपका लाकर होता है ना, बैंक के अंदर भी लाकर होता है, वो मंथली बैंक लेता है और ख्वातीन के जेवरात को लाकर के अंदर बंद करके रखते हैं, मंथली उसको देते हैं। ये फरमाते हैं कि अली जो है ना वो मेरे असरार का लाकर है, लाकर असरार इलाही जो है ना वह इल्म के अंदर अली के अंदर मौजूद है। एक दफ़ा मैं नाम नहीं लेता, बड़ी मोहतरम शख्सियत है इस्लामाबाद की, उन्होंने मुझसे कहा कि आका साहब 19 रमज़ान की मजलिस आप पढ़ दें। मैंने उनसे वादा कर लिया ठीक है 19 की मजलिस में पढ़ूंगा, हर साल उनके घर में होती है, कभी कोई पढ़ता है कभी कोई पढ़ता है। तो इस चंद दिन के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि आका साहब मौला के आपने ऐसे फ़ज़ाइल सुनाने हैं जो आज तक जो है ना लोगों ने ना सुने हो, किसी ने ना सुने हो। मैंने सोचा कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या फ़ज़ाइल बयान करूं जो आज तक किसी ने न सुने हों। मैं आपके सामने एतराफ़ करता हूं ना, अभी मैं पेशमान हो रहा हूं कि ये मैंने क्यों सोचा। ये मेरी दाढ़ी जो है ना का एक बाल अभी जो है ना वो सिया नहीं रहा, पता नहीं 1990 की बात है या उससे पहले, ये PTV वर्ल्ड पर वो हमारे मशहूर शाही इफ्तिखार आरिफ के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था नहजुल बलागा के बारे में, नहजुल बलागा तक़वा, नहजुल बलागा की रोशनी में दुनिया, उसकी रोशनी में जिहाद, उसकी रोशनी में वो मुहतरमा कुर्रतुल ऐन हमारी वो थी मेज़बान थी, और मैं और इफ्तिखार आरिफ जो है ना वो कर रहे थे, वो कभी कभी नशर करते हैं। उस वक़्त मेरी पूरी दाढ़ी जो है ना वो सिया है, अभी मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, एक बाल भी सिया नहीं बचा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बहुत गया गुजरा नालायक तालिबे इल्म भी हूँ, हाँ काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमें अली के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ 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 नहीं पता थोड़ा सा। अब ये मैं अब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वो एक कज़ावत आपको सुना दूं, एक केस आया अली ने उसमें ये फैसला किया। हाँ रसूल खुदा का ज़माना था, रसूल खुदा का ज़माना, वो एक बंदा आया और कहा कि वो फलान आदमी की गाय ने बैल ने मार के मेरे जो है ना वो पतने गधे को मार दिया है, तो क्या करूं। वो मुख्तलिफ लोगों के पास वो बंदे खुदा, रसूल खुदा ने कहा फलान के पास जाओ, फलान के पास जाओ, फलान के जाओ, फलान के पास जाओ। सब ने ये जवाब दिया दाबतन कतलत दाबतन फलाशे अलैहा, भाई एक जानवर ने दूसरे जानवर को जान से मार दिया है, वो जानवर कोई जवाब दे तो नहीं होता ना। कातिल बेग से बेल से कहें कि भाई ये तुमने उसको कत्ल कर दिया है, इतने पैसे दे दो, दियत अदा करो। दाबतन कतलत दाबतन फलाशे अलैहा,
ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار دیا ہے، فلاش علیہا، وہ قاتل کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں جب علی کے پاس پہنچا تو فرمایا یہ دیکھا جائے گا، دونوں آزاد تھے، دونوں بندے ہوئے تھے، ایک بندہ ہوا تھا، ایک آزاد تھا۔ فرمایا اگر وہ فرض کیجئے مقتول وہ جانور بندہ ہوا تھا اور قاتل آزاد تھا، تو پھر جو قاتل جانور کا مالک ہے وہ مقتول جانور کی دیت جو ہے نا وہ ادا کر، اس کی قیمت ادا کرے گا۔ رسول خدا کو جب پتہ چلا، فرمایا خدا کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم اہل بیت میں اس شخص کو قرار دیا ہے جس کے فیصلے حضرت داؤد کے فیصلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ قضاوت، یہ قضاوت، یہ فیصلہ، وہ فیصلہ، جی یہ ان سے جو ہے نا وہ فضائل ثابت نہیں ہوتے۔ موٹی موٹی باتیں، جملے کہ جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر رسول خدا نے فرمایا ہے اے علی تجھے یا میں نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا نے کیوں فرمایا۔ قسمت الحکمت و عشرت اجزاء، حکمت، یہ لفظ حکمت جو ہے نا تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک حکمت جس کو آپ فلسفہ کہتے ہیں، فلسفہ، نماز کا کیا فلسفہ ہے، حج کا کیا فلسفہ ہے، سات چکروں کا کیا فلسفہ ہے، سات کنکریاں مارتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے، حکمت، مصلحت، یا ہاں وہ کیا کہتے ہیں فلسفہ کہیں۔ ایک حکمت، حکمت جو حکمت کرتے ہیں، حکیم لوگ حکمت کرتے ہیں، طب ہے، یونانی حکیم ہوتے ہیں، وہ جڑی بیٹیوں سے آپ کا علاج کرتے ہیں، معجون بناتے ہیں، سفوک بناتے ہیں، گولیاں بنا کے ہاں بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک حکمت ہے، ایک حکمت ہے جو یعنی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنا، کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا، جیسا ہے حقیقتوں کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھنے کو حکمت کہتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا قسمت الحکمت و عشرت اجزاء، حکمت کل کائنات کے جو علوم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9 حصے علی کو دیے ہیں، باقی 1 حصے کو باقی لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ جو 1 حصہ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر۔ ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، بس میرے خیال میں وہ میں کتاب کے اندر سے آپ کو سناتا ہوں، ہاں، اور اس کے بعد مصائب کے چند جملے۔ باواد بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ محمد کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کے ایک چچا تھے جنہوں نے ان کو پالا تھا۔ یہ مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جناب ام سلمہ کے ایک مولا تھے۔ کافی علماء کرام سے میں ڈسکس کیا ہے، مولا یعنی اس طرح اس معنی میں من کنت مولا فاض علی المولا اس معنی میں بھی نہیں ہے، چچزاد کے معنی میں بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور یہ کوئی کنیز بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے مالک یا مولا مراد ہو۔ چچا خود لکھنے والے شیخ صاحب سے بھی مشورہ کیا اور علماء کرام سے، ان کے کوئی چچا تھے جنہوں نے ان کو پالا تھا، جناب ام سلمہ کو پالا تھا۔ وہ بلا ناغا ہر نماز کے بعد وہ امیر المومنین پر سب شتم اور لان تان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے ان سے پوچھا آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، انہوں نے ایک وجہ بتائی، میں اس وجہ سے جو ہے نا میں ان کو سب شتم کرتا ہوں۔ فرمایا اگر آپ نے، بڑے غور سے سنیے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، اگر آپ نے میری تربیت نہ کی ہوتی اور میں آپ کو اپنے والد کی جگہ نہ سمجھتی تو یہ رسول خدا کی حدیث آپ کو نہ سناتی۔ میں آپ کو رسول خدا کی حدیث سناتی ہوں، اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ یہ علی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں یا اس کو جاری رکھتے ہیں، مگر میں یہ حدیث آپ کو ضرور سناؤں گی۔ بیٹھ جائیں، اجلس حتی احدثک عن علی
मा रअयतुहु, आप बैठ जाए मेरे पास ताकि रसूल खुदा के बारे में मैंने अपनी आंखों से अली से जो रसूल खुदा का जो बर्ताव था वो मैं आपके सामने बयान करूँ, फिर फैसला आप, 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 आपके हाथ में है। अच्छा, उस इतने में मैंने देखा कद अकबल रसूलुल्लाह वहुवा मुखल्लिलुन असाबिअहु फी असाबि अली वाज़िअन यदहु अलैह। रसूल खुदा और अली तशरीफ लाए, रसूल खुदा का एक हाथ अमीर मोमिनीन के ऊपर था और बाकी दूसरा हाथ अली और रसूल की उंगलियां यूं, अपनी उंगलियां अली की उंगलियों में डाले और तशरीफ ले आए। जरा वो मुसलमान फरमाती हैं, अच्छा जी, और फरमाया उखरजी या उम्म सलमा मिनल बैत वखलीह लना, कहा मुझसे कि उम्म सलमा से कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं और हमें जो है ना या खलवत में कुछ देर जो है ना अली के साथ मुझे बैठने दें। और वह अकबला या तना जया ने, मैं घर से बाहर निकली और रसूल खुदा और अली की वो जो राज नियाज की बातें जो है ना वो शुरू हो गई। वह अना असमा उल कलाम, मैं यानी आवाज़ तो आ रही थी लेकिन मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बातें हो रही है, यानी समझ में नहीं आ रही थी लेकिन आवाज़, बहुत दफ़ा ऐसा होता आवाज़ आती है लेकिन टेलीफोन पर भी आवाज़ आती है लेकिन समझ में नहीं आता, आवाज़ सुन रही थी लेकिन वला अदरी मा यकूला ने, मैं नहीं समझती थी कि ये राज नियाज की बातें क्या हो रही हैं। हत्ता इज़ा अना कुल्तु, अच्छा मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये देखें ये आज का दिन मेरा दिन था, ठीक है जी, जोहर के करीब आने वाला है और अभी तक जो है ना वो अली घर से नहीं निकले। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम अलीज, सलाम के बाद मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह आ सकती हूँ? फरमाया ला तलीजी वरजई मकान की, अभी नहीं, आप वापस चली जाएँ। सुम तनाजया तबीला, फिर काफ़ी देर तक रसूल और अली का राज दुनिया का सिलसिला जारी रहा। हत्ता काम अमूद जोहर, जवाल का वक्त हो गया, जवाल का वक्त हो गया। अच्छा जी, फ़कुल तो जहाब योमी, वो कहती है मैंने दिल ही दिल में कहा मेरा तो पूरा दिन ज़ाया हो गया जी, यानी मेरा पूरा दिन अली ने ले लिया। फ़ाकबल तो अमशी, मैं आगे बढ़ी दरवाजे के पास आके और फिर कहा अस्सलाम अलैकुम अली जू या रसूलल्लाह अब आ सकती हूँ? फरमाया ला तलीजी, नहीं, ये हमारे राज दुनिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ। फरजा तु मकानी, मैं वापस चली गई। हत्ता इज़ा अना कुल्तु लहु क़द ज़ालती शम्सु अल्आन यख़रुजु इला सलात, अभी जोहर का टाइम हो गया है, अभी रसूल खुदा नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाएंगे। बहरहाल मैं फिर आगे बढ़ी और मैंने फिर पता नहीं तीसरी दफ़ा हो गई या चौथी दफ़ा अली जू या रसूल्ला अब आ सकती हूँ? फरमाया नाम तली जी, हाँ अब आप आ सकती हैं। फदखल तो मैं दाखिल हुई हुजरे में, वह अलीन वाज़ुन यदहु अला रुकबते रसूलिल्लाह, इतने करीब बैठे थे रसूल खुदा अमीर मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन के दोनों हाथ रसूल खुदा के घुटनों के ऊपर थे, इतने करीब बैठे थे कि रसूल खुदा के दोनों हाथ हजरत के उस पर थे। और वक़द अदना फाहु मिन उज़्न नबी व फ़मुन नबी अला उज़्न अली, यानी दोनों इस तरह बैठे हुए थे कि रसूल खुदा का दहन मुबारक अली के कानों के करीब और अली का दहन मुबारक रसूल खुदा के, हाँ ये आप तसव्वुर कर सकते, इस तरह दोनों बैठे हुए थे। व नबी यकूल, और अमीर मोमिनीन फरमाते थे फअम्दी व अफअल या रसूलल्लाह, चला जाऊं और ये काम कर लूं। रसूल खुदा ने फरमाया नाम, हाँ जाओ और ये काम कर लो। फदखल तो मैं दाखिल हुई, व अलीयुन मुअरिदन वजहहू, जब मैं दाखिल हुई तो रसूल खुदा ने अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन होने का मतलब ये नहीं कि वो महरम है, नहीं, उम्मुल मोमिनीन होने का मतलब ये है कि अगर रसूल खुदा इस दुनिया से वो रुखसत हो जाते हैं, कोई मुसलमान आपकी बेवा बीवी से शादी नहीं कर सकता, ना महरम थे। जैसे ही मैं जो है वो दाखिल हुई तो अली ने अपना मुंह फेर लिया, मैं दाखिल हुई।
फ़खरजा, और अमीर अल-मोमिनीन साइड से बाहर निकल गए। फ़अख़ज़नी रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने मुझे बुलाया, प्यार किया, बड़ी शफ़क़त से पेश आए और ये जुमला कहा, या उम्म सलमा ला तलूमीनी। अभी मैं इसका तर्जुमा जो है ना मुझसे नहीं किया जाता, इतना अर्थ करूँगा कि महसूस न करना, ला तलूमीनी लफ्ज़ तर्जुमा ही बनता है, मलामत से है ना, हाँ वो बुरा ना मनाना। फ़इन्ना जिब्राइल अतानी, ये जो काम किया है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है। फ़इन्ना जिब्राइल अतानी, जिब्राइल अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास आया। यामुरु अन उसिया बिही अलियन मिन बादी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से फरमान लाया कि मैं अपने बाद के लिए अली को कुछ वसीयतें करूँ, कुछ वसीयतें करूँ। और वकुंतु बैन जिब्राइल व अली, हाँ वो आप तो अभी अंदर नहीं आई थी, हमारे बैठने का अंदाज ये था कि मैं जिब्राइल और अली के दरमियान में था। ये रसूल खुदा फरमाते हैं कि वह जिब्राइल अन यमीनी व अन शिमाली, जिब्राइल मेरे दाएं तरफ था और अली मेरे बाएं तरफ था। फअमरनी जिब्राइल, जिब्राइल ने खुदा की तरफ से ये हुक्म मुझ तक पहुँचाया, अन आमुर अलियन बिमा हुआ काइनुन मिन बादी इला यौमिल क़ियामा, कि मैं अली को वो सारी बातें बताऊं या हुक्म दूं जो कयामत तक के रूनमा होने वाली है। हाँ एक जुमला अर्थ करूं, इसके अंदर जहां एक फ़ज़ाइल का समंदर है, एक मसाइब का तूफान भी इसी के अंदर मौजूद है। जिब्राइल ने हुक्म दिया कि मैं क़यामत तक की बातें हाँ वो अली को बताऊं। फाज़िरीनी, फाज़िरीनी मेरे उज़्र को कबूल कर ले, उम्म सलमा से कहते फाज़िरीनी मेरे इस उज़्र को वो कबूल कर ले। वला तलूमनी, हाँ फिर उसको महसूस नहीं करना है। फ़अना नबी युहादिहिल उम्मा, मैं इस नबी का उम्मत का नबी हूँ। व अली वसी फ़ितरती व अहल बेती व उम्मती मिन बादी, और मेरे अहल बेत में से हाँ मेरी उम्मत में अली मेरा वसी है। मुनफरिद अंदाज था हाँ अली अलैहिस्सलाम की तालीम का, मुनफरिद अंदाज। नहजुबलागा में ये लिखा हुआ है, रसूल खुदा असहाब के दरमियान में बैठे होते थे, आप पर वही नाजिल होती थी। आप अंदाज़ा लगाएं, अंदाज ना, किस किस तरीके से अल्लाह ने अली को पढ़ाया, किस किस तरीके से रसूल खुदा ने अली को हाँ वो पढ़ाया और इल्म मुंतकिल किया। वही नाजिल होती थी असहाब के सामने और महसूस करते थे कि इस वक्त वही नाजिल हो रही है और वही के ज़रिए शरीयत के अहकाम जो है ना वो वसूल कर रहे हैं। लेकिन न किसी को वही लेके आने वाला नज़र आता था, न उसकी आवाज़ किसी को सुनाई देती थी, मगर इतने असहाब में से सिर्फ अली से रसूल खुदा फरमाते थे, ए अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा, जो आवाज़ें मैं सुनता हूँ उनको तू भी सुनता है और जो मुझे नज़र आता है वो तुझे भी नज़र आता है। हाँ मुझ में और तुझ में फ़र्क ये है, इल्ला अन्नका लस्त बिनबी, तू नबी नहीं है। वही मुझ पर नाजिल होती है मगर वही लेके आने वाला भी तुझे नज़र आता है और उसकी आवाज़ भी तुझे सुनाई देती है। यही वजह है हाँ मुस्तकबिल के बारे में अली को खुशगवार वाक़ियात का भी अली को इल्म था और ना खुशगवार वाक़ियात का भी अली को इल्म था। मिस्र की मशहूर राइटर डॉक्टर बिन्तुशाती, उनकी जनाब ज़ैनब कुबरा के बारे में किताब है बतलतु करबला, उर्दू में तर्जुमा हुआ है करबला की शेर दिल खातून, पहले हमारे मस्जिद के सामने मिलती थी, अभी वो नायाब है। उसके अंदर वो लिखते हैं, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अपनी बेटी ज़ैनब कुबरा को दर्स कुरान दे रहे थे और मुस्तकबिल के वाक़ियात से हाँ
خدادات علم کی روشنی میں مستقبل کے واقعات کی خبر دے رہے تھے، ان واقعات میں واقعی کربلا کا بھی ذکر آ گیا، بتایا بیٹی کو سنہ فلان سن میں اور فلان تاریخ کو وہ کربلا کی سرزمین پر وہ میرا بیٹا آئے گا، اصحاب شہید ہوں گے، اولاد بھانجے بھتیجے شہید ہوں گے، اور خود خود میرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پھر امام کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوگا، شام غریبان میں کیا قیامت ٹوٹے گی۔ وہ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے، میں نے محسوس کیا کہ بابا بتانا چاہتے ہیں مگر اس خوف سے کہ شاید جناب زینب نہ سن سکے، آپ کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، امیر المومنین تامل فرما رہے تھے، جھجک رہے تھے۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، بابا جو باتیں آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نا، وہ میں نے اپنی مادر گرامی سے ساری باتیں سن لی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ شام غریبان میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا ان اشقیاء کی طرف سے۔ صفین جا رہے تھے یا آ رہے تھے امیر المومنین، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت آپ کو بتا دوں، ائمہ معصومین جو اس دنیا سے رحلت ہو چکے ہوتے ہیں، اس دنیا کے خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات ان سے پوشیدہ نہیں ہوتے، ہاں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صفین کا وہ کے راستے میں کربلا سے امیر المومنین گزرتے ہیں اور رک کر اپنے اصحاب کے درمیان فرماتے ہیں، تین دفعہ فرمایا، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ اصحاب نے عرض کیا، یا امیر المومنین یہ کون ابو عبداللہ ہے، کس کو آپ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں؟ بتایا، یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بتایا، یہاں کس کا خیمہ نصب ہوگا، یہاں میرے علمدار کا خیمہ نصب ہوگا، یہاں مخدرات کا خیمہ نصب ہوگا۔ اور تاریخ میں ہے عزادارو، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، ہاں مظلوم بیٹے کی شہادت کو یاد کر کے امیر المومنین اتنا روئے، دشی تاری ہو گئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہاں تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے مجالس میں عزاداروں کو روتے روتے بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پڑھنے والے کو بھی میں نے بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کربلا میں روز عاشور سید محسن حکیم طباطبائی کے بیٹے شہید محراب محمد باقر حکیم مقتل پڑھتے تھے، مقتل 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، اس میں جب وہ مصائب پڑھتے تھے نا، حسین کی شہادت کے بعد حسین کو کس طرح لوٹا گیا، جی وہ ایک ایسا مرحلہ آتا تھا کہ وہ بے ہوش کی ممبر سے گر جاتے تھے اور مومنین ان کو سنبھالتے تھے، ہاں وہ دلخراش منظر کہ جن کا تصور کر کے عزادار بے ہوش ہوتا ہے، جن کا تصور کر کے پڑھنے والا خطیب ذاکر بے ہوش ہوتا ہے، مجھے کہنے دے، اس منظر کو رسول نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بتول نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ کوئی مبالغہ یا لفاظی یا وہ زبان حال نہیں ہے، جناب ام سلمہ کا خواب گواہ ہے، خواب میں دیکھا رسول خدا بال پر آکندہ ہے، بکھرے ہوئے ہیں اور سر پر خاک ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ کہا کہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے عرض کرنے دیں، علی نے، رسول نے، بتول نے، اور تاریخ میں ان ظالموں کا، لوٹنے والوں کا نام موجود ہے، اس ظالم کا نام تاریخ میں ملے گا جس نے نواسے پیغمبر کا امامہ اتارا، اس کا نام ملے گا جس نے آپ کی ابا اتاری۔ آپ کو پتہ ہے آخری ودا کر کے جب چلے تھے، جناب زینب کبریٰ سے فرمایا تھا، ایتینی بلباس عتیق لا یرغب فیہ احد، بہن زینب ایک پرانا سا پیراہن دے
जिसको मैं सबसे नीचे पहनूं, कोई लालच न करे और मेरे बदन को बरहना न करे। जिस जालिम ने उस बेरहान को उतारा उसका नाम भी तारीख में दर्ज है, और नहायत माजरत के साथ उस जालिम का नाम भी तारीख में मिलेगा जिसने अंगूठी की खातिर उंगली काट दी, उस जालिम का भी नाम मिलेगा। मौलाना मोहम्मद अली फाजिल ने लिखा है अपनी किताब में, आपका पास आपका एक कीमती कमरबंद था, शहादत के बाद एक जालिम उसको उतारना चाहता था, इमाम ने अपना दाया हाथ रखा, कमरबंद की खातिर आपका दाया हाथ कलम किया, बाया हाथ रखा, बाया हाथ भी कलम कर दिया। ये सारा रसूल अली और बतूल के सामने हो रहा है। और अर्ज करूं कि हाँ, अली और रसूल और बतूल ने क्या देखा? हाँ, ये मुख्तार का ज़माना था आज़ादारो, कातिलान हुसैन से इंतकाम का सिलसिला शुरू हुआ। तरीक़ेकार ये था कि कातिलों को जालिमों को बुला के पूछा जाता था और उनके जुल्म के मुताबिक उनको सजा दी जाती थी। जनाब मालिक अश्तर के बेटी इब्राहिम, वो मुख्तार का कमांडर था, उसकी अदालत में मलऊन अबजुर बिन काब की पेशी होती है। आप पूछा कि सच सच बता, तुमने करबला में क्या जुल्म किए हैं? कसमें खाई कि मैंने किसी को शहीद नहीं किया। फरमाया, किसी को लूटा हो, किसी को कोई तमाचा मारा हो, किसी के तबरुकात छीने हो। आज़ादारो, इस जालिम ने वो संगीन जुल्म किया था कि अगर उस जुल्म के बाद आसमान जमीन पर गिर जाता। एक मौके पर अली की बेटी ने फरमाया भी था, लैत समा अतदकदकत अलल अर्द, काश ये आसमान जमीन पर गिर जाता, कोई ताजुब न होता। हाँ, जुल्म बहुत संगीन था, लेकिन जब मुख्तार का दबाव बढ़ा तो उसने लरसते लरसते और कांपते कांपते कहा, मैंने शाम गरीबान में खेमे में जाके अली की बड़ी बेटी की रीदा छीनी थी। अली, और तुमने क्या जुल्म किया? कहा, मैंने अली की बेटी की रीदा छीनने के बाद अली की बेटी की बालियों में हाथ डाला, गोशवारों में को हाथ में लिया और इस दौर से अपनी तरफ खींचा कि कानून को छीनती हुई खूनालूद बालियां मेरे हाथ में आई। जालिम, फिर मेरी आकादादी ने क्या फरमाया? फरमाया, कता अल्लाहु यदैक, खुदा तेरे दोनों हाथ काट डाले। व कता अल्लाहु रिजलैक, खुदा तेरे पांव काट डाले। व अहरक कल्ला बिनार दुनिया कबल नार आखरा, आतश जहन्नम से पहले खुदा तुझे दुनिया की आग में जलाए। जालिम, जिस तरह तूने मुझे हिजाब से मशहूर मशहूर किया है। और एक आखिरी मुशाहदा अर्ज करूँ, क्या देखा अली ने, बतूल ने, रसूल ने? इमाम जाफर सादिक का ज़माना था, 7 या 8 दफ़ा मेरे छठे इमाम को गिरफ्तार किया गया और रिहा किया गया, और एक मरतबा आपके घर को आग लगा दी गई। आग, एक मुहिम को पता चला कि इमाम के घर को आग लगा दी गई है। वो फौरन इमाम के घर पहुंचा, देखा दरवाजे पे बैठे इमाम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, फरदंद पैगंबर, ये इस आग के शोलों को देख के रो रहे हैं? फरमाया, नहीं, ये आग मुझे नहीं रुला रही है, मुझे शाम गरीबान की आग याद आ रही है। हाँ, एक खीमे में आग लगती थी, बीबियाँ दूसरे खीमे में चली जाती थी, दूसरे को आग लगती थी, तीसरे में चली जाती थी। अदादारो, एक खीमा बचा, सब मुखतरात और छोटे छोटे शीरखार बच्चे जमा हैं। और जैसे ही शोले बुलंद होने लगे, जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा सईद सज्जाद ने, सज्जाद बेटे बताओ अब जल के मर जाएं या निकलने की इजाज़त है? फरमाया, अलैकुन बिस सहरा, अलैकुन बिल फरार, अब निकलने की इजाज़त है।